अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों पे एक इल्ज़ाम ये लगता है फ़िरका परस्त मुसलमानों के ज़रिए कि आप मुनकर हदीस हैं, आप हदीसों का इनकार करते हैं। तो हदीसों का इनकार से मुराद अगर ये है कि रसूल सल्लम के नाम पे जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सब को वैसे ही आंख बंद करके मान लेना, तो मैं समझता हूं इस दुनिया का हर एक मुसलमान मुनकर हदीस है। आज तक कोई ऐसा मुसलमान हुआ ही नहीं हो जो मुनकर हदीस नहीं है। लेकिन इनमें से जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग, इनमें से कोई भी ये नहीं कहता है कि हम रसूल सल्लम की बात का इनकार करते हैं, बल्कि सब यही कहते हैं कि ये बात असल में रसूल सल्लम ने नहीं कही थी। तो असल में इसको मुनकर हदीस नहीं कहेंगे बल्कि मुनकर मौजू हदीस कहेंगे कि जो झूठी रवायत जो रसूल सल्लम की तरफ अट्रीब्यूट की गई है उससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये बात रसूल सल्लम ने नहीं कही थी, और यही ट्रेडिशन रहा है, हर दौर में लोग ऐसे ही रहे हैं। मिसाल के तौर पे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में हम देखें तो उनकी जिंदगी में भी वाकयात हमें कई मिलते हैं जहां पर उन्होंने इनकार किया हो उस बात का, जो बात ये कहा गया हो कि रसूल सल्लम ने कही है लेकिन उन्होंने इनकार किया। मैं दो हदीस का हवाला देता हूं। एक हदीस वो है जिसमें कि उनसे ये कहा गया, सहाबी ने उनसे ये कहा कि रसूल सल्लम ने यह बताया है कि बैड उमेन जो है, यानी अशुभ चीजें, ये तीन चीजों में होती हैं, एक है औरत, एक है घोड़ा, एक और घर। तो इस पर हजरत आयशा ने इनकार किया इस बात का, कहा कि यह बात रसूल सल्लम ने नहीं कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि यौम जाहिलियत में लोग ऐसा समझा करते थे, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कमरे में पहुंचे थे जब रसूल सल्लम ये बात फरमा रहे थे तब वो देर से पहुंचे थे, वो शुरू के हिस्से सुन नहीं पाए थे। तो इस पूरे वाकया को अगर हम इस तरह से कहें कि हजरत आयशा सिद्दीका ने इनकार किया उस हदीस का जो रसूल सल्लम की तरफ रेफर किया गया था, और इसलिए क्या, क्योंकि रसूल सल्लम ने वो बात नहीं कही थी, तो इस बिना पे हम ये कह सकते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका भी मुनकर हदीस थी। दूसरा वाकया हम वो जानते हैं जिसमें यह है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ये कहा करते थे, वो बताते थे लोगों को कि रसूल सल्लम ने ये कहा है कि अगर घर वाला कोई मर जाए उसके बाद जो लोग रोते हैं तो घर वालों के रोने की वजह से मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है या अजाब पहुंचता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला यही चीज समझे थे और यही चीज बताते थे दूसरों को भी, तो और भी बहुत सारे लोग भी यही समझते थे। फिर बाद में बहुत जमाने के बाद जब ये बात हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के कान में ये बात पहुंची, उनसे ये कहा गया कि रसूल सल्लम ने ये फरमाया है कि मरने वाले कि घर वालों के रोने से मुर्दे को अजाब दिया जाता है, तो उन्होंने फौरन मना किया, इनकार किया उन्होंने इस हदीस का, इस सोकॉल हदीस का इनकार किया। उन्होंने कहा कि रसूल सल्लम ने ये बात नहीं कही थी, कसम है अल्लाह की जात कि कुरान काफी है हमारे लिए, यानी कि कुरान के खिलाफ है ये बात। कुरान में बताया गया है कम से कम चार जगह कि कोई भी नफ्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने इस बात का इनकार किया और कहा कि रसूल सल्लम ने ये बात नहीं कही थी। फिर उन्होंने समझाया कि भाई अगर कोई एज ए कुफर एज ए काफिर मरा है तो अपने गुनाहों की वजह से वो अजाब में रहेगा, इसलिए नहीं कि उसे घर वाले रोएंगे तो उसका अजाब घर वालों के रोने की वजह से बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि आयशा ने इनकार हदीस किया। तो इन दोनों वाकया को अगर आप समझे सही ढंग से तो ये समझ में आएगी कि जो बात रसूल सल्लम की तरफ मंसूब की गई है और रसूल सल्लम ने वो बात नहीं कही थी तो इसको इनकार हदीस अगर कहा जाता है तो यह हर मुसलमान करता और करना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आयशा सिद्दीका भी मुनकर हदीस थी। इसके बाद हम देखें जो मुहद्दिसीन जितने भी थे वो सारे के सारे मुहद्दिसीन तो सबसे बड़े मुनकर हदीस थे। हर मुहद्दिस ने अपने अपने जमाने के सैकड़ों हजारों या शायद लाखों हदीसों का इनकार किया। असल में मुहद्दिसीन ने हदीस को इकट्ठा करने का काम ही शुरू क्यों किया था, अगर आप किसी आप इसकी तारीख पढ़ें तो बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ जाती है। हदीसों को इकट्ठा इसलिए करना किया गया था क्योंकि उस जमाने में रसूल सल्लम की हदीस के नाम पर बहुत सारी झूठी रवायत गढ़ी जा रही थी, फैलाई जा रही थी, तो लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे थे। गढ़ने वालों ने सौ सौ नहीं हजारों हजारों हदीसों को, झूठी हदीसों को गढ़ करके लोगों के बीच फैलाया, तो हदीस के नाम पे बड़ी तादाद में गलत बातें झूठे बात भी मशहूर हो रही थी। तो इसीलिए उस जमाने में फिर मुहद्दिसीन ने यह काम किया कि उन्होंने हदीसों को छाटने का काम शुरू किया। तो उन्होंने जब छाटा तो उन्होंने जितनी हदीस उन तक पहुंची उस पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशन रखा और उसके बाद जो है अपने पैमाने के हिसाब से कुछ को एक्सेप्ट किया कुछ को रिजेक्ट किया। और तकरीबन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के ताल्लुक से तो इतिहास में या हिस्ट्री में यही दर्ज है कि जितने हदीस इन तक पहुंची उसमें से तकरीबन 99% को इन लोगों ने रिजेक्ट किया। 6 लाख पहुंची तो 7,000 तकरीबन को सिर्फ इमाम बुखारी ने रखा,
बाकी को रिजेक्ट किया, नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके पैमाने के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो यही कहा जाएगा कि मुहद्दिसीन ने अपने जमाने में जो हदीसें उन तक पहुंची उनमें से एक बेशतर का इनकार किया, मुनकर बने, वो भी हदीस का। क्यों बने? इसलिए कि वो ये समझते थे कि ये बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, उनकी क्राइटेरिया पे फिट नहीं हो रहा था, तो इसको भी मुनकर हदीस कहेंगे। तो वो बहुत बड़े मुनकर हदीस थे, जितने भी मुहद्दिस थे वो इस बात पे इनकार नहीं करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, बल्कि इस बात पे इनकार करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही है। तो यही हाल आज के उन मुसलमानों का भी है जो जिनके ऊपर मुनकर हदीस का इल्जाम लगता है, वो यही कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही थी, ये झूठी बातें हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दर्ज हो गई हैं हमारे हदीस के किताबों में। और आप आज के जमाने की अगर बात करें तो आज के डेट में जो सलफी हजरात के नजदीक जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं या जिनकी ये लोग बहुत ज्यादा तकलीद करते हैं वो है नसीरुद्दीन अल्बानी साहब, जिनका बहुत हाल में इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने भी अपने हदीस की किताबों, उन्होंने हदीस की किताबें लिखी, उन्होंने इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और सियासत्ता के दूसरे किताबों को रिव्यू किया, फिर से उन्होंने जांच पड़ताल की, अपने हिसाब से उन्होंने उसको जो है हदीसों को लिया और बहुत बड़ी तादाद में जो हदीसें उन लोगों की तरफ से आई थी, मुहद्दिसीन की तरफ से आई थी, उनको रिव्यू किया। और उसके बाद इन्होंने फिर बहुत सारे उन हदीसों का भी इनकार किया जो कि पिछले मुहद्दिस के नजदीक सही था, बहुत सारी वो हदीसें जो पिछले मुहद्दिसीन के नजदीक सही थी उसको इन्होंने नसीरुद्दीन अल्बानी साहब ने रिव्यू करके और फिर अपने क्राइटेरिया के ऊपर जांच परख करके बहुत का इनकार किया जो पहले सही ठहराया जा चुका था, जो इन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से ये भी बहुत बड़े इनकार हदीस करने वाले या मुनकर हदीस हुए। तो इस दुनिया में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो मुनकर हदीस नहीं है, लेकिन ये सारे वो मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि रसूल सल्लम ने ये बात नहीं कही थी इसलिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए इस डिफिनेशन के हिसाब से मुनकर हदीस होना नेचुरल है और हर कोई है, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि हम कभी मुनकर कुरान ना बने। आज प्रॉब्लम यह है कि जितने भी फिरके हैं इस्लाम के नाम पे ये सब के सब मुनकर कुरान हो चुके हैं, कुरान का इनकार करते हैं, कुरान की आयतों का इनकार कर देते हैं गलत रवायतों की वजह से, अपने उलमाओं की वजह से या बाज अपनी फिकी मसले मसाइल की वजह से। तो मुनकर कुरान होना ये तो फिर इस्लाम से बाहर ले जाता है, इस मामले में हम होशियार रहें।